तो हमने लास्ट क्लासेस में आई यू पी एस सी नेमिंग की है उनमें हमने सिंपल रूल्स पढ़े एल्केन के नाम लिखने के तरीके के बारे में जाना और एलकीन एंड एल्काइन के कुछ सिंपल नाम लिखे आज जो हम पढ़ेंगे क्लास में नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रिफिक्स एक प्रिफिक्स होता है सिंपल प्रिफिक्स होता है एक कॉम्प्लेक्स प्रिफिक्स होता है ये सेकेंडरी प्रीफिक्स ही होगा क्योंकि लास्ट क्लास में जो हमने दो टाइप के प्रीफिक्सेस पढ़े थे एक सेकेंडरी प्रीफिक्स होता है एक प्राइमरी प्रीफिक्स होता है प्राइमरी प्रीफिक्स होता है साइक्लो या साइक्लो और क्लोरो ब्रोमो मिथाइल इथाइल प्रोपाइल ये सब होते हैं सेकेंडरी प्रीफिक्स सेकेंडरी प्रीफिक्स को हम एक और तरह से बोल सकते हैं कई बार सेकेंडरी प्रीफिक्स सिंपल प्रीफिक्स ना होकर कॉम्प्लेक्स प्रीफिक्स होता है तो आज की क्लास में हम ये जानेंगे कि कॉम्प्लेक्स प्रीफिक्स क्या होता है फिर ये जानने के बाद हमारी एल्केन एल्कीन एल्काइन की नेमिंग हो जाएगी पूरी फिर उसके बाद हम नेमिंग करेंगे अल्कोहल की ये नाम लिखना सिंपल है कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है फिर हम नेमिंग ऑफ एल्डिहाइड करेंगे नेमिंग ऑफ कीटोन करेंगे और उसके बाद हम नेमिंग ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड करेंगे इनके मैं रूल्स आपको बताऊंगा <coughs> तो सबसे पहले जो मैं शुरू कर रहा हूं आपको नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रिफिक्स कॉम्प्लेक्स प्रिफिक्स को हम किस तरह से लिख रहे होते हैं ये बात मैं आपको सबसे पहले शुरू कर रहा हूं यानी बता रहा हूं जो कॉम्प्लेक्स प्रिफिक्स होते हैं उनको प्रिफिक्स से समझो आप जैसे हमारे पास कोई प्रिफिक्स है प्रिफिक्स कार्बन चेन वाला प्रिफिक्स हम पहले सिंपल लेते हैं कार्बन चेन वाला प्रीफिक्स कैसे हो सकता है जैसे मिथाइल हो सकता है इथाइल हो सकता है प्रोपाइल हो सकता है ये सब कार्बन चेन वाले प्रिफिक्स हो सकते हैं कहां पर लगे हुए होंगे वो पेरेंट कार्बन चेन पर वो लगे हुए होंगे एग्जाम्पल के लिए मेरे पास कोई लंबी कार्बन चेन है इस लंबी कार्बन चेन पर एक प्रिफिक्स कनेक्ट हो सकता है मैं सिंप्लिसिटी के लिए ये लंबी कार्बन चेन लिख रहा हूं अपनी तरफ से आप काउंटिंग कर लो अगर आपसे सिर्फ इस कंपाउंड का नाम पूछा जाएगा तो आप बोलोगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व इस पूरे कंपाउंड का नाम है डो डिकेन ट्वेल्व कार्बन का वर्ड रूट आएगा ना टोटल ट्वेल्व कार्बन है कार्बन तो को हम क्या बोलते हैं डोडेक बोलते हैं डोडेक का मतलब होता है ट्वेल्व कार्बन एटम्स और हम इसमें साथ में एन ऐड कर देंगे वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स ये तो डेफिनेटली पिछली क्लासेस में पढ़ा हुआ है अगर किसी ने पिछली क्लासेस पक्की नहीं की हुई है तो पहले पहला काम है आपका कि बेसिक रूल्स पहले अपने पक्के करो तब जाकर के ये समझ आएगा पुरानी वाली क्लासेस को पक्का करना जरूरी है तब ये चीज आपको जो मैं बता रहा हूं वो समझ आ पाएगी तो डो डेक क्या चीज है वर्ड रूट है एन क्या है प्राइमरी सफिक्स है। अब हम अगर यहां एक सिंपल प्रिफिक्स लगाते हैं एक सिंपल प्रिफिक्स में क्या लगाता हूं मान लो मैं यहां तीन कार्बन का एक साइड ग्रुप या प्रिफिक्स लगा देता हूं लंबी चेन अभी भी यही रहेगी यहां से मैं अभी भी गिनती नहीं कर सकता हूं क्या करूंगा मैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन ये तो दस कार्बन रह गए तो गलत हो गया हमारा काम होता है लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन बनाना तो ये जो कनेक्टेड है इतना इसको मैं नाम दिया करता हूं साइड ग्रुप या ये है सिंपल प्रिफिक्स किसे कहते हैं सिंपल प्रिफिक्स पेरेंट कार्बन चेन से जो कनेक्टेड होता है पेरेंट कार्बन चेन क्या जो हमने गिनती की है काउंटिंग की है वर्ड रूट जिसको दिया है वो पेरेंट कार्बन चेन है इस पेरेंट कार्बन चेन से जो डायरेक्टली कनेक्टेड है कार्बन फिर उसके बाद हम पूरी गिनती करते चले जाएं वन टू थ्री दोबारा से अगर मैं साइड ग्रुप की यानी प्रिफिक्स की काउंटिंग करता हूं तो मैं दोबारा से इस पेरेंट कार्बन चेन से डायरेक्टली कनेक्टेड कार्बन को वन बोलूंगा इसको टू बोलूंगा इसको थ्री दिस इज नॉट पेरेंट कार्बन चेन ये तो एक साइड ग्रुप की काउंटिंग की साइड ग्रुप की काउंटिंग के लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा तीन कार्बन है तो प्रॉप साइड ग्रुप है तो वाई एल प्रोपाइल हो गया ना ये जैसे हम मिथाइल लिखते हैं इथाइल लिखते हैं प्रोपाइल लिखते हैं अगर आपको ये वाला कंपाउंड जो लिखा हुआ है सामने ये दिया जाता है नाम लिखने के लिए तो डोडे तो जू का तू रहेगा आप लिख दोगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सिक्स प्रोपाइल डोडेकेन आप ये लिखोगे नाम सिक्स प्रोपाइल डोडेकेन ये IUPAC हमें इस कंपाउंड का देना चाहिए जिसमें हमने एक अब एक प्रिफिक्स बढ़ा दिया ये सिंपल काउंटिंग अगर मैं इधर से करता वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन तो दूर आता है इधर से काउंटिंग करना गलत हो जाएगा काउंटिंग तो हम इधर से ही करेंगे जहां से मिनिमम से मिनिमम पोजिशन पर हम प्रोफाइल को लाएंगे ठीक है अब मैं एक और इसको बढ़ाकर एडिशनल इसमें चेंज करता हूं समझते रहना क्योंकि मैं बिल्कुल से आप लोगों को बता रहा हूं। मैंने क्या किया कहीं पर एक मिथाइल ग्रुप लिख दिया यही कार्बन नंबर फाइव पर एक सी एच थ्री लिख दिया कोई प्रॉब्लम की बात नहीं चलेगा नाम लिखेंगे अभी भी हम हम नाम क्या लिखेंगे काउंटिंग अभी भी इधर से करेंगे वन टू थ्री फोर फाइव क्योंकि मिनिमम पोजिशन पर आया है एक बढ़ा देंगे बस भाई सिक्स पर हो गया प्रोपाइल एंड फाइव पर मैं लिख दूंगा मिथाइल तो अब इस वाले कंपाउंड का नाम फिर मैं क्या लिखूंगा फाइव मिथाइल इसका नाम लिखना चाहिए फाइव मिथाइल सिक्स प्रोपाइल वर्ड रूट क्या है डोडेक एंड प्राइमरी सफिक्स क्या है एन एक ये प्रिफिक्स है एक ये प्रिफिक्स है क्यों लिखा पहले क्योंकि एम पहले आता अल्फाबेटिकल ऑर्डर लिखते हैं ना प्रीफिक्सेस का वो ही हमने इसको लिख दिया तो फाइव मिथाइल सिक्स प्रोपाइल डोडेकेन हम इस कंपाउंड को लिख देंगे नाम यानी अगर इस पेरेंट कार्बन चेन पर यह है पेरेंट कार्बन चेन बारह कार्बन की चेन गिवन है इस पर मैं जितने ग्रुप लगाता रहूंगा वो सिंपल प्रिफिक्स होंगे चाहे मैं मिथाइल लिख देता हूँ इस पर चाहे मैं इथाइल लिख देता हूँ चाहे मैं इस पर प्रोपाइल लिख देता हूँ वो सिंपल प्रीफिक्स कहलाएंगे कब तक सिंपल प्रीफिक्स कहलाएंगे जब तक इस पेरेंट कार्बन चेन पर कनेक्टेड होंगे लेकिन कोई एग्जांपल ऐसा भी हो सकता था अब देखो मैं क्या कर रहा हूं ये मैं नाम अब स्ट्रक्चर चेंज करके नाम चेंज करूंगा ये नाम मैंने हटा दिया जो आपको बताया अभी समझाया मिथाइल ग्रुप हटा दिया मैंने यहां से पांच पर मिथाइल लगाने की जगह मैंने इस साइड ग्रुप पर एक मिथाइल कनेक्ट कर दिया दोबारा सोचो ये जो मिथाइल ग्रुप मैंने बढ़ाया मैंने पेरेंट कार्बन चेन पर नहीं बढ़ाया क्या होती है पेरेंट कार्बन चेन जिसका हम वर्ड रूट लिख रहे होते हैं ये मैंने कहां पर बढ़ाया ये मैंने बढ़ाया सिंपल प्रिफिक्स पर सिंपल प्रिफिक्स किसे कहते हैं जो पेरेंट कार्बन चेन से जुड़ा होता है कौन जुड़ा हुआ है पेरेंट कार्बन चेन से पेरेंट कार्बन चेन से जुड़ा हुआ है कार्बन नंबर सिक्स से ये प्रोपाइल ये प्रोफाइल मैंने इसका कलर चेंज करके आपको इंडिकेट कर दिया ये प्रोफाइल जुड़ा हुआ है जो कि सिंपल प्रिफिक्स है सिंपल पर मैंने एक मिथाइल ग्रुप सी एच थ्री ग्रुप बढ़ा दिया जो कि पेरेंट कार्बन चेन पर नहीं लगा हुआ है नाउ दिस सी एच थ्री इज नॉट प्रिफिक्स ये सी एच थ्री प्रिफिक्स नहीं है प्रिफिक्स तो क्या है भाई प्रिफिक्स तो ये प्रोपाइल ग्रुप है जब मैं सी एच थ्री को यहां इसकी टू पोजिशन पर लिख रहा हूं नई पोजिशन एक सी एच थ्री लिखी ये सी एच थ्री कहां पर लगा हुआ है ये सी एच थ्री लगा हुआ है प्रिफिक्स पर तो हम इस सी एच थ्री को नाम देंगे सब प्रिफिक्स प्रिफिक्स क्या है जो पेरेंट कार्बन चेन से लगा हुआ है दो वर्ड हो गए अब एक हो गया सब प्रिफिक्स एक हो गया प्रिफिक्स प्रिफिक्स हम उसको कहते हैं जो पेरेंट कार्बन चेन से डायरेक्टली कनेक्टेड है कौन सी पेरेंट कार्बन चेन भाई जिसके कार्बन हम वर्ड रूट में गिन लेते हैं उसकी बात हो रही है इसके कार्बन हमने वर्ड रूट के लिए डोडेक के लिए गिन रखे हैं इसकी बात हो रही जो इससे डायरेक्टली कनेक्टेड कार्बन है और लंबी चेन है वन टू थ्री की तो प्रिफिक्स यहां पर है हमारा प्रोपाइल प्रिफिक्स रिटनेंस प्रोपाइल लेकिन प्रिफिक्स पर प्रिफिक्स के कार्बन पर कितने कार्बन है प्रिफिक्स के तीन कार्बन है दोबारा से गिनेंगे हम इन्हें वन टू थ्री कैसे गिनेंगे पेरेंट कार्बन चेन से डायरेक्टली कनेक्टेड कार्बन को ही वन कहना है फिर लंबी चेन बनानी लिख लो क्या दिक्कत है टू प्राइम लिख लो थ्री प्राइम लिख लो अलग करना है हमें झगड़े तो। से बचना है तो वन प्राइम लिख लिया टू प्राइम लिख लिया थ्री प्राइम लिख लिया कार्बन नंबर टू प्रिफिक्स के कार्बन नंबर टू पर जो मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है उसको नाम दूंगा मैं सब प्रिफिक्स क्या है ये सब प्रिफिक्स मिथाइल ही है नो no डाउट लेकिन अब मैं इसे सब प्रिफिक्स बोलूंगा जब किसी मॉलिक्यूल में सब प्रिफिक्स एंड प्रिफिक्स दोनों मौजूद होते हैं अकेला सब प्रिफिक्स हो, हो नहीं सकता है क्यों नहीं हो सकता वो तो प्रिफिक्स पर ही लगा होगा दैट मीन्स जब किसी मॉलिक्यूल में एक प्रिफिक्स भी होता है एंड सब प्रिफिक्स भी होता है तब हम उसको कॉम्प्लेक्स प्रिफिक्स कह रहे होते हैं तो कॉम्प्लेक्स प्रिफिक्स क्या होगा कॉम्प्लेक्स प्रिफिक्स इज मेड अप ऑफ टू थिंग्स एक सब प्रिफिक्स और दूसरा इसके साथ मुझे ऐड करना है प्रीफिक्स लिखना है हमेशा इसी ऑर्डर में इसको हम सबसे पहले लिखेंगे सब प्रीफिक्स फिर बाद में प्रीफिक्स लिखेंगे कोई अल्फाबेटिकल ऑर्डर नहीं ध्यान रहे अल्फाबेटिकल ऑर्डर किसके लिए होता था बहुत सारे प्रीफिक्सेस हैं अब ये तो प्रिफिक्स है जो पेरेंट कार्बन चेन से कनेक्टेड है यह सब प्रिफिक्स है सब प्रिफिक्स पहले नंबर पर लिखा जाएगा दूसरे नंबर पर लिखा जाएगा प्रिफिक्स हां अगर कई सारे प्रिफिक्स हैं तो उन्हें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे कई सारे सब प्रिफिक्स हैं सपोज करते हैं सब प्रिफिक्स दो हो सकते हैं तीन हो सकते हैं क्लोरीन भी हो सकता है ब्रोमीन भी हो सकता है उनको हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे तो अब मैं आपको पहले इस कंपाउंड का आई नेम बता रहा हूं फिर आपसे पूछूंगा कि इसमें कोई डाउट है तो आप मुझे बताओगे वर्ड रूट डोडेक है इसमें कोई बात नहीं है डाउट नहीं है एन क्या है प्राइमरी सफेक्स है तो डोडेकेन है डोडेक है वर्ड रूट एन है हमारा प्राइमरी सफिक्स कॉम्प्लेक्स प्रिफिक्स क्या है कॉम्प्लेक्स प्रिफिक्स है ये सब प्रिफिक्स पहले फिर प्रिफिक्स सब प्रिफिक्स क्या है मिथाइल एंड उसके बाद क्या है प्रिफिक्स प्रोपाइल इस प्रोपाइल के कौन से कार्बन पर मिथाइल लगा है कार्बन नंबर टू पर लगा है तो मैं इसको लिखूंगा टू मिथाइल प्रोपाइल, इसको लिखना पड़ेगा ब्रैकेट में क्या पहचान होगी कॉम्प्लेक्स की ब्रैकेट में लिखना होगा क्योंकि ये पूरा का पूरा इकट्ठा है एक इक साथ अगर मैं ब्रैकेट में नहीं लिखूंगा तो कोई गलत समझ सकता है इसको कि ये टू मिथाइल ये वाला टू मिथाइल है यहां पर मिथाइल लगा हुआ है कोई गलत समझ जाएगा इसको इसलिए हम इसको ब्रैकेट में लिखेंगे अब ये ब्रैकेट किसके लिए है टू मिथाइल प्रोपाइल। क्या है टू मिथाइल प्रोपाइल? ये पूरा का पूरा टू मिथाइल प्रोपाइल है ये पूरा का पूरा ये कहां लगा हुआ है सिक्स पर तो यहां मैं सिक्स लिखूंगा सिक्स टू मिथाइल प्रोपाइल, डोडेकेन सिक्स पोजीशन पर किसकी डोडेकेन की सिक्स पोजीशन पर क्या लगा है मिथाइल प्रोपाइल प्रोपाइल के कार्बन नंबर टू पर मिथाइल लगा हुआ है अल्फाबेटिकल नहीं ये मिथाइल क्या है सब प्रिफिक्स है प्रोपाइल क्या है प्रिफिक्स है। ये होगा इस कंपाउंड का नाम कॉम्प्लेक्स को समझना थोड़ा सा क्योंकि पहली बार जब जो भी चीज करते हैं पहली बार तो जिन भी सी लगती है दो चार पांच प्रॉब्लम करोगे फेमिलर हो जाओगे यहां तक किया ही है पहुंचे ही हो यहां तक जैसे यहां तक पहुंचे हो ऐसे ही ये पक्का हो जाएगा पहली बार में तो नहीं होता कुछ भी पक्का तो अभी, wise, आप इसे सीखो जब मैं एक दो तीन प्रॉब्लम आपको करा दूंगा बस आपका कॉन्सेंट्रेशन अलर्टनेस रिक्वायर्ड है अलर्ट होकर के सीखो लिखते रहो सारी बात बिना लिखे चीजें नहीं आ पाएंगी तो आप लोगों को किसी को कोई डाउट है तो बताओ मुझे इसी में हम अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं कुछ चेंज करते हैं इसी में दूसरा ही लिखता हूं नए सिरे से मैं लिखता हूं क्वेश्चन हम सबसे पहला काम है किसी भी प्रॉब्लम को पहचानना क्या ये कॉम्प्लेक्स है गलत मत पहचान लेना अगर पहचान ही गलत लिया किसी को तो फिर तो नाम ही गलत लिखेंगे उसका हम कॉम्प्लेक्स नहीं है और आपने परसेप्ट कर लिया उसे कॉन्सेप्ट गलत लगा लिया सोच लिया कि बस ये जो है वो कॉम्प्लेक्स है तो नाम फिर गलत लिखा जाएगा जैसे एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं अगर आपको ये कहा जाए कार्बन 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 एंड कार्बन यहां कार्बन लगा है इधर कार्बन लगा है इधर कार्बन लगा है अब आप में से किसी ने क्या किया इसे कॉम्प्लेक्स बना दिया जबरदस्ती बना दिया है नहीं कॉम्प्लेक्स है. है कॉम्प्लेक्स आपने ऐसे कर लिया वन टू थ्री फोर और नाम लगा दिया मेरा कि जी देखो आपने बताया था पेरेंट कार्बन चेन पे डायरेक्टली कनेक्टेड कार्बन को बोल देना है वन हमने तो बोल दिया वन फिर इसको टू बोल दिया ये हो गया इथाइल इथाइल पर एक ये कार्बन मिथाइल लगा हुआ है तो मिथाइल इथाइल इज कॉम्प्लेक्स नहीं भाई नहीं गलत चल रहे हो पहला रूल है लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन यहां तो कॉम्प्लेक्स कोई बनी नहीं रहा है लंबी से लंबी चेन बनाना हमारा पहला मकसद होता है ये तो गिनती ही गलत कर दी गई है इसमें हम सबसे पहले काउंटिंग पर ध्यान देंगे काउंटिंग होगी इसकी वन टू थ्री फोर फाइव पांच कार्बन की चेन बन रही है पांच कार्बन की चेन में यह भी पेरेंट कार्बन चेन से डायरेक्टली लगा हुआ है यह भी पेरेंट कार्बन चेन से डायरेक्टली लगा हुआ है कहा कॉम्प्लेक्स बनाने की जरूरत पड़ी यहां जरूरत नहीं है अगर मैं जबरदस्ती कॉम्प्लेक्स बना देता हूं तो चार कार्बन की चेन रह जाएगी नेम गलत हो जाएगा पहला रूल है कि लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन रूल फॉलो करना है हमें यहां कॉम्प्लेक्स बनेगा ही नहीं तो मैं इस कंपाउंड का तो नाम लिख दूंगा टू कॉमा थ्री डाई पेंटेन ये कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा तो केयरफुली करना है ऊपर नीचे से कहीं गिनती करके जैसे मैंने अभी इससे पहले वाली प्रॉब्लम में आपको बताया था आपको अगर ध्यान हो मैंने गिनती करके आपको दिखाया था रियलाइज कराया था कि अगर मैं गिनती यहां से करता हूँ वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन ताकि कॉम्प्लेक्स ना बने तो लेकिन दस कार्बन रह गए थे सीधे हम आते हैं तो बारह कार्बन की चेन बन रही है तो इसलिए मुझे मजबूरी है कॉम्प्लेक्स बनाना क्योंकि लंबी चेन हमें बन रही है तो कॉम्प्लेक्स बनाना पड़ रहा है तो अब चलो मैं दूसरी प्रॉब्लम लिख रहा हूं ये अगर मैं यहाँ सी एच थ्री लिखता हूँ सी एच टू लिखता हूँ सी एच टू लिख देता हूँ यहाँ सी एच लिख कर यहाँ सी सी एच टू लिख दिया सी एच थ्री लिख दिया इधर सी एच थ्री लिख दिया इधर सी एच थ्री लिख दिया यहाँ इस पर सी एच टू लिखा फिर सी एच टू लिखा फिर सी एच टू लिख दिया फिर सी एच टू लिख दिया और एक सी एच थ्री लिख दिया अब हम बिना कॉम्प्लेक्स बनाए काउंटिंग नहीं कर सकते इधर से काउंटिंग करके देखते हैं चलो कर लें One, two, three, four. One, two, three, four. बन जाएगा इधर से करेंगे तो बिना कॉम्प्लेक्स के काउंटिंग हो जाएगी तो मैं कॉम्प्लेक्स बना रहा हूं एक सी एच टू और बढ़ा रहा हूं इसमें अदरवाइज बिना कॉम्प्लेक्स के बनेगी तो मैंने इसमें लिखा सी एच टू फिर एक सी एच टू लिखा फिर एक और सी एच टू लिख दिया और फिर ये वन टू थ्री फोर फाइव पांचवे कार्बन पर आया इधर से मैं करता वन टू थ्री फोर पर आता छोटी चेन बनती इधर से तो लंबी से लंबी चेन बनाने का जो तरीका रहेगा वो ये रहेगा कार्बन नंबर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन अगर मैं गिनती इधर से करता वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स तो इधर छे कार्बन पर दूर आता ये। आप कहते हो हम कॉम्प्लेक्स नहीं बनाते तो कार्बन कम पड़ जाएंगे चेन में कार्बन कम कैसे पड़ गया वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन रह गए नौ कार्बन रह गए तो हम वो वाली चेन नहीं लेंगे लंबी से लंबी चेन बनाना पहला मकसद है हमारा रूल नंबर वन तो यही रहता है अब जो प्रिफिक्स है वो क्या है इसमें सबसे पहले आसान तरीका है कि आप जब तक खूब अच्छी तरह प्रैक्टिस नहीं हो जाती तो प्रिफिक्स अलग लिखो एंड सब प्रिफिक्स अलग लिखो कॉम्प्लेक्स की बात हो रही है ना क्या चीज है यहां पर प्रिफिक्स यहां पर प्रिफिक्स है ये पांचवें कार्बन से नंबर वन नंबर टू नंबर थ्री लंबी से लंबी चेन तीन कार्बन कंटिन्यूस बनानी है दोबारा से तो प्रीफिक्स फिर प्रोपाइल प्रोपाइल है प्रोप ऑयल सब प्रीफिक्स जो प्रीफिक्स पर पड़े हुए ग्रुप हैं प्रीफिक्स पर कौन से ग्रुप पड़े हुए हैं एक ये मिथाइल है एक और मिथाइल है ये कहां पर लगा हुआ है टू पोजिशन पर तो सब प्रिफिक्स क्या है सब प्रिफिक्स है टू कॉमा टू डाई पूरा ही लिख दिया मैंने पोजिशन भी लिख दी डाई मिथाइल है प्रिफिक्स सब प्रिफिक्स इस डाई मिथाइल की पोजिशन क्या है टू कॉमा टू यह टू कॉमा टू पेरेंट कार्बन चेन का नहीं है इस प्रिफिक्स का है टू कॉमा टू ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स कहां लगा हुआ है कार्बन नंबर फाइव पर यह सारा का सारा कॉम्प्लेक्स लगा हुआ है कार्बन नंबर फाइव पर दोनों में ला करके तो मैं नाम कहां से शुरू करूंगा फाइव ब्रैकेट क्या इंडिकेट करता है ब्रैकेट कॉम्प्लेक्स को यानी अब मैं लिखने वाला हूं सब प्रिफिक्स एंड प्रिफिक्स सब प्रिफिक्स क्या है यहां पर टू कॉमा टू प्रोपाइल, ये है ब्रैकेट क्लोज कर देंगे कुछ और भी अगर कहीं होता इधर कुछ लगा होता इधर कुछ लगा होता इधर कुछ लगा होता तो मैं यहां लिख देता नंबर वाइज पेरेंट कार्बन लेकिन कुछ और लगा हुआ नहीं है तो हम बस अब वर्ड रूट लिखेंगे वर्ड रूट यहां पर क्या आना है वर्ड रूट यहां पर आना है डेक और उसके बाद हम लिखेंगे एन प्राइमरी सफेक्ट फाइव टू टू डायमिथाइल प्रोपाइल डेक एन ये इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम होगा कॉम्प्लेक्स कैसे पता चलेगा इस ब्रैकेट से देख करके पता चलेगा कि हमें कॉम्प्लेक्स लिखना है। अगर कोई डाउट है किसी का तो बताओ वरना मैं एक प्रॉब्लम और लिख करके दे रहा हूं आपको करने के लिए वो आप मुझे करके बताओगे लिखना है, एक बार सीख जाओगे तीन चार प्रॉब्लम कर लोगे तो फिर आप आसानी से कर सकते हो एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं इसको सॉल्व करके बताओ राइट आई नेम ऑफ फॉलोइंग मॉलिक सी एच थ्री सी एच टू एच टू सी एच टू सी एच सी एच सी एच सी एच थ्री यहां सी एच थ्री आ गया यहां पर ब्रोमीन आ गया सी एच टू सी एच टू सी एच टू एच थ्री क्वेश्चन इज राइट आई यूपीएससी नेम जल्दी से लिखो नोटबुक में अपनी सब लोग नोटबुक में लिखो और चैट बॉक्स में लिख दो फिर आंसर जब हम इस कंपाउंड की आई यूपीएससी नेमिंग लिखना चाहेंगे बिल्कुल आसान है ये बड़ा मुश्किल नहीं है सबसे पहला अब एक बेसिक रूल हमें अप्लाई करना है कि लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन करता है सपोज करते हैं नंबर वन लिखता हूं नंबर टू नंबर थ्री नंबर फोर तब क्या होगा यहां टोटल कार्बन चेन जो बनेगी वो वन टू थ्री फोर आ रहा है इस जंक्शन पर इधर से करता हूं गिनती मैं वन टू थ्री फोर फाइव लंबी चेन इस साइड से बन रही है तो ये हो जाएगा वन ये हो जाएगा टू ये हो जाएगा थ्री ये हो जाएगा फोर ये हो जाएगा फाइव ये हो जाएगा सिक्स ये हो जाएगा सेवन ये हो जाएगा एट ये हो जाएगा नाइन नाइन कार्बन की चेन ये बनी है अब कार्बन नंबर फाइव पर प्रिफिक्स लगा हुआ है एक ये तीन कार्बन का दोबारा से गिनती कर लेनी चाहिए प्रैक्टिस के लिए ताकि कोई और मुश्किल देखने में लगे तो वो आप आसानी से कर लो वन टू थ्री प्रोपाइल प्रिफिक्स क्या है लिख डालो प्रिफिक्स है प्रोपाइल सब प्रिफिक्स क्या है दो हैं सब प्रिफिक्स एक है ब्रोमो एंड एक है मिथाइल दो हो गए तो अब ये क्योंकि दोनों सब प्रिफिक्स हैं तो अल्फाबेटिकली लिखे जाएंगे अब हमें इसको अल्फाबेटिकली लिखना है ये होगा तरीका तो कार्बन नंबर फाइव पर मुझे लिखना होगा ब्रैक स्टार्ट करके वन ब्रोमो पहला कोई भी वर्ड शुरू होता है तो कैपिटल लिखना है नेमिंग का हिस्सा है ये वन ब्रोमो टू मिथाइल ये तो हो गया सब प्रीफिक्स किस पर लगे हुए हैं ये ये लगे हुए हैं प्रोपाइल पर और मैं इसको क्लोज कर देता हूं ये पूरा कॉम्प्लेक्स हो गया इसके बाद मैं यहां लिखूंगा नॉन एंड एन लिखा जाना चाहिए ये ओवरऑल आई नेमिंग रहेगी ठीक हो गई भाई समझ आ गई भाई बात सब लोगों को कोई दिक्कत की बात तो नहीं है एक कंपाउंड और लिख रहा हूं मैं और इस कंपाउंड में आपको एक नया रूल और सीखने को मिलेगा जैसे हमने लिखा सी एच थ्री सी एच टू सी एच सी एच टू सी एच थ्री डेफिनेटली ये साइड ग्रुप है प्रिफिक्स है इथाइल हो जाएगा ये ये हो जाएगा सी एच टू सी एच सी एच एच सी एच थ्री यहां पर सी एच थ्री हो गया यहां पर सी एच थ्री हो गया वन टू थ्री फोर वन टू थ्री फोर एंड फाइव तो लंबी चेन तो सीधे बनेगी दैट मीन कॉम्प्लेक्स बनाना पड़ेगा हमें वन टू सी एच टू सी एच टू सी एच थ्री ये एक कंपाउंड गिवन है इसमें अगर मैं केयरफुली एग्जामिन करता हूं तब ये एक प्रिफिक्स है और ये एक प्रिफिक्स है प्रोपाइल और सब प्रीफिक्सेस क्या है सब प्रीफिक्सेस हैं एक ये मिथाइल ग्रुप है एक ये मिथाइल ग्रुप है, है ये हैं सब प्रीफिक्सेस लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन अगर मुझे बनानी पड़ती है तो मैं क्या बनाऊंगा लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन कार्बन नंबर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन एंड टेन ये लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन है दस कार्बन की चेन कहीं और से नहीं बन सकती है आप इधर से बनाने की कोशिश करोगे तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन की बनेगी शॉर्ट पड़ गई चेन कॉम्प्लेक्स तो मुझे बनाना ही पड़ेगा ये है सब प्रिफिक्स। दोनों ये वाला भी और ये वाला भी ये है प्रिफिक्स और ये है मेरे पास प्रिफिक्स नाम लिखना है फाइव पोजीशन पर क्या लगा हुआ है कॉम्प्लेक्स है कैसा कॉम्प्लेक्स है उसमें है मेरे पास वन कॉमा टू वन पर मिथाइल लगा इसको मैं वन बोलूंगा ना कहां से गिनती करेंगे हम प्रिफिक्स की पेरेंट कार्बन चेन से डायरेक्टली कनेक्टेड कार्बन को वन कहते हुए लंबी लंबी से चेन दोबारा सुनो पेरेंट कार्बन चेन से डायरेक्टली कनेक्टेड कार्बन को वन कहते हुए लंबी से लंबी चेन वन टू थ्री बोलो या वन टू थ्री बोलो एक ही बात रहेगी एक ही नाम लिखा जाएगा अलग नहीं होगा शॉर्ट चेन नहीं कि आपने ये वन बोल दिया इधर टू बोल दिया दोबारा से ये गड़बड़ हो गई तब हम लिखेंगे वन कॉमा टू वन पर मिथाइल टू पर मिथाइल ये टू है टू पर मिथाइल वन टू डाय मिथाइल इसके साथ आएगा प्रोपाइल प्रोपाइल क्या है प्रिफिक्स है डाय मिथाइल क्या है सब प्रिफिक्स हैं न एंड टू क्या है उन सब प्रिफिक्स की पोजिशंस हैं। अब हम क्या करेंगे अब हम इसके बाद लिखेंगे वर्ड रूट नहीं वर्ड रूट में एक ये प्रिफिक्स और एक और बचा हुआ है थ्री इथाइल एक ये और भी तो प्रिफिक्स है ना उसके बाद हम क्या लिखेंगे उसके बाद हम लिखेंगे वर्ड रूट वर्ड रूट यहां पर क्या आ रही है वर्ड रूट आ रही है डेक और एन एड कर दिया जाएगा इसके साथ प्राइमरी सफिक्स डेक दस कार्बन की चेन एक कॉन्फ्लिक्ट होगा जिन्हें पूरे पूरे रूल्स पता हैं उनको एक गड़बड़ लगेगी यहां हम जब काउंटिंग कर रहे होते थे तब प्रिफिक्सिस को लिखते समय काउंटिंग सारी हो गई पूरी हमने सारा नाम लिख दिया प्रिफिक्सिस लिखते समय हम क्या लिखते थे ई e का अल्फाबेट ये इथाइल का ई e. मुझे कंपेयर करना चाहिए था मिथाइल के एम से और इथाइल को लिखना चाहिए था पहले अल्फाबेटिकली जो नॉर्मल नेमिंग के सिस्टम है विदाउट कॉम्प्लेक्स वाले उसमें हम डाई ट्राई टेट्रा को शामिल नहीं करते लेकिन जब कोई नाम ब्रैकेट में आ जाता है तो उस ब्रैकेट का सबसे पहला अल्फाबेट सबसे पहला अल्फाबेट कौन सा है ये डी है अब कॉम्प्लेक्सेस के केस में मुझे इस सबसे पहले अल्फाबेट को कंपेयर करना होगा इस डी को मैं कंपेयर करूंगा एम कंपेयर करते हैं अगर वो ब्रैकेट में नहीं है लेकिन अगर वो ब्रैकेट में आ जाता है तो डाई मिथाइल का डी करूंगा ट्राई मिथाइल का टी मैं करूंगा ट्राई ब्रोमो का मैं टी कंपेयर करूंगा ट्राई मिथाइल का मैं कंपेयर करूंगा डाई क्लोरो का मैं डी कंपेयर करूंगा अगर ब्रैकेट में है तो ब्रैकेट में नहीं है तो डाई ट्राई, क्योंकि पढ़ा पढ़ाई अभी है इससे पहले पढ़ा कब जो मैं रूल बताता है ये आपको तो बड़ी सिंपल सी बात है कॉम्प्लेक्सिस के लिए हम अगर ब्रैकेट में कोई बंद है तब हम उसको डाई मिथाइल के डी को कंपेयर करेंगे किसी और के अल्फाबेट के साथ इसलिए मैंने ये डी पहले लिखा है डाइमिथाइल प्रोपाइल इसके डी को कंपेयर करते हुए क्योंकि डी पहले आता है ई बाद में आता है तो अल्फाबेटिकली ये लिखे वर्ड रूट पर डेक पर डाइमिथाइल प्रोपाइल पहले इथाइल बाद में फिर डेकेन लिखा जाएगा ये होगा आईयूपीएसी नेम इस कंपाउंड का यह तरीका आई होप कई वाली बात आपको समझ आ गई होगी ये इंपॉर्टेंट रूल है स कॉम्प्लेक्स के डाई ट्राइटेट्रा को भी हमें एल्फाबेटाइज करना है प्रोवाइडेड के वो कॉम्प्लेक्स में है अगर कॉम्प्लेक्स में नहीं है यहां डाई था तो मैं इसका ई कम्पेयर करता अगर यहां डाई थाइल बाद में होता कॉम्प्लेक्स से बाहर होता अगर फिर नहीं मुझे इसका डी कंपेयर करना था यह है रूल और इस रूल को फॉलो करते हुए आई यूपीएससी नेमिंग लिखी जाएगी मैं एक एक कंपाउंड दे रहा हूं इसका आपको आई यू पी सी नेम लिख करके बता सी एच थ्री सी एच बी आर है सी एच सी एल है सी एच टू सी एच ये एक मैंने स्ट्रक्चर लिखा है इस कंपाउंड का आपको आईयूपीएससी नेम लिख करके बता अब मैं इसमें कुछ नहीं बताऊंगा आपको कोई हेल्प नहीं करूंगा आपको खुद से इसका आई यू नेम लिखना और चैट बॉक्स में लिखो फिर उसके बाद मैं डिस्कस करता हूं नेमिंग बता रहा हूं इसकी मैं कंपाउंड की सबसे पहले हम लंबी से लंबी चेन बनाते हैं लोवेस्ट सेट रूल के अकॉर्डिंग ये साइड से बनाएंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन इस साइड से नहीं बना सकते वन टू यहाँ तक तो ठीक है टू है तो थ्री पर तो यहाँ कुछ भी नहीं आ रहा है लोवेस्ट सेट इस साइड से है टू थ्री फाइव एट सेट ये बना टू थ्री फाइव Eight. इस साइड से मैं सेट बनाता तो टू बनता वन टू थ्री फोर फाइव बनता एंड बनता तो ये सेट है ये लोअर सेट है ये फॉलो किया जाएगा ये फॉलो नहीं किया जाएगा यहाँ चेक करेंगे कॉमन यहाँ चेक करेंगे डिफरेंस मिल गया डिफरेंस अगर मिल गया तो जहां डिफरेंस मिला बस वहीं हमने फाइनल कर दिया लोअर सेट रिक्वायड होगा स काउंटिंग ये सही है इस साइड से काउंटिंग करना गलत है कार्बन नंबर फाइव पर जो कार्बन डायरेक्टली लगा है उसको हम दोबारा से काउंटिंग करेंगे एंड वन बोलेंगे एंड टू बोल दो ये है प्रिफिक्स इतना है प्रिफिक्स इसको समझो अच्छी तरह से प्रिफिक्स इज इथाइल क्या रूल है पेरेंट कार्बन चेन से डायरेक्टली कनेक्टेड कार्बन को वन बोल दो फिर लंबी से लंबी चेन बना डालो इसको वन बोलकर लंबी से लंबी चेन दो ही की बनेगी चाहे इधर बनाते हो चाहे इधर बनाते हो चाहे इधर बनाते हो प्रीफिक्स हो गया हमारा इथाइल सब प्रिफिक्स क्या है ये तो नहीं गिने जा सके अभी भी तो सब प्रिफिक्स हो जाएगा डायम स कार्बन नंबर फाइव पर डायमिथाइल इथाइल लगा हुआ है डायमिथाइल का डी में कंपेयर करूंगा क्योंकि कॉम्प्लेक्स में आ रहा है तब मैं इसको डायमिथाइल के डी को कंपेयर करूंगा किससे ब्रोमो के बी से क्लोरो के सी से नाम लिखना चाहिए टू कॉमा एट डाइब्रोमो भाई ये ब्रैकेट में तो नहीं है अगर ये ब्रैकेट में नहीं है डाइब्रोमो नहीं है ब्रैकेट में तो इसका बी कंपेयर करना चाहिए मुझे किससे बाकियों के अल्फाबेट से ये है थ्री क्लोरो थ्री क्लोरो का सी कंपेयर किया फाइव वन पर मिथाइल वन पर मिथाइल वन कॉमा वन डाई मिथाइल इथाइल इथाइल को अलग से लिखता हूं इथाइल प्रीफिक्स है क्लोरो प्रीफिक्स है डाइब्रोमो प्रिफिक्स और डाइमिथाइल क्या है ये है सब प्रिफिक्स इसका डी कंपेयर किया मैंने इसके सी से इसके डी से इसके बी से बी सी डी अल्फाबेटिकली लिखे गए ये है रूल कार्बन चेन नाइन की बन रही है तो आप लिखोगे नो नेम नॉन साथ में लिखा जाएगा एन ये आस नेम होगा ज्यादातर लोगों ने ठीक लिखा है थोड़ी थोड़ी गलती कर दी है जैसे टू एट की जगह बस टू लिख दिया जैसे ये गलती मानी जाएगी या फिर किसी ने डाई नहीं लिखा टू एट लिख दिया बस ब्रोमो लिख दिया साथ तो केयरफुली करना और ये प्रैक्टिस से आएगा प्रैक्टिस यहीं से शुरू की जाएगी पहले इन्हीं क्वेश्चंस को दोबारा से करो एक बार सिर्फ क्वेश्चन देख लो फिर दोबारा से लिखो थोड़े दिन के बाद फिर इसे ही रिपीट करो एक टाइप का एक है क्योंकि रूल नया इससे पता चलता है वेल ये मैंने अभी ये एक लेयर के आपको कॉम्प्लेक्स की नेमिंग कराई है तो इसमें दूसरी लेयर पर पहुंचने के लिए थोड़ी सी और मुश्किल टाइप के कॉम्प्लेक्सेस के नाम करने के लिए पहले ये पक्के करने पड़ेंगे पहले जब ये बड़े अच्छी तरह से पक्के रूल हो जाएंगे तब हम कॉम्प्लेक्स के थोड़े से ऊपर लेवल के और प्रॉब्लम करेंगे अभी मैं फिलहाल आपको आज की क्लास में जैसे हमने तय किया था कि फंक्शनल ग्रुप्स भी हम कुछ करेंगे जो फंक्शनल ग्रुप है वो फंक्शनल ग्रुप एल्कोहल एल्डिहाइड टोन कार्बोक्सिलिक एसिड इनके फंक्शन ग्रुप हम शुरू कर रहे हैं अभी पहले मैं जो नेमिंग बता रहा हूं अल्कोहल की नेमिंग आपको बता रहा हूं नेमिंग ऑफ अल्कोहल्स कहते किसको हैं अल्कोहल? अल्कोहल ऐसे सब कंपाउंड को कहते हैं जिसमें अल्काइल ग्रुप के साथ ओ OH एच लगा होता है दिस ग्रुप इज कॉल्ड एज एल्का एल्काइल होता है सी एन एच टू एन प्लस वन ये होता है एल्काइल सी एन एच टू एन प्लस वन मतलब जितने कार्बन उसके डबल हाइड्रोजन से एक ज्यादा क्या क्या हो सकता है एल्काइल सी एच थ्री हो सकता है सी टू एच फाइव हो सकता है मतलब सी टू एच फाइव का ये भी तो लिख सकते हो ना अभी बहुत सारे लोग इसी में कंफ्यूज हो रहे हैं सी एच थ्री सी एच टू एक हो सकता है सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू ये प्रोपाइल ग्रुप है प्रोपाइल ग्रुप को मैं क्या लिख सकता हूं सी थ्री एच सेवन लिख सकता हूं तो ये एल्काइल ग्रुप पर ओ OH एच ग्रुप लगा है दैट मीन्स जो एल्कोहल्स हैं ऐसे लिखे जा सकते हैं सी एन एच टू एन प्लस वन ये तो हो गया अल्काइल का फॉर्मूला साथ में लिख दिया मैंने बॉन्ड बना दिया इसका किसके साथ ओ एच के साथ अगर OH तो मैं एच को इधर शामिल कर लेता हूं तो ऐसे भी लिखा जा सकता है और यू कैन ऑल्सो राइट फॉर्मूला ऑफ एल्कोहल लाइक सी एन एच टू एन प्लस वन था एक हाइड्रोजन ये वाला इधर ले लिया मैंने एच OH का प्लस टू हो गया ओ लिख दो छोटा सा मत लिखना ओवर ना ये ट्वेंटी लगेगा फिर कहोगे टू एन प्लस ट्वेंटी तो सी एन एच टू एन प्लस वन ओ OH एच लिख दो या एच को इधर शामिल करके सी एन एच टू एन प्लस टू ओ लिख दो ये जनरल फॉर्मूला है अल्कोहल का जैसे एल्केन का लिखते हो ना आप अब इसमें एक ऑक्सीजन एटम हेट्रो एटम कार्बन हाइड्रोजन के अलावा हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं जिसमें सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन होता है ऑक्सीजन आ गया अब यह हाइड्रोकार्बन नहीं बचा फंक्शनल ग्रुप कंपाउंड बन गया कुछ एग्जाम्पल्स हम लिखेंगे अल्कोहल के कुछ एग्जाम्पल्स लिख करके पहले मैं बता रहा हूं नाम उसके बाद मैं लिख दूंगा जब हम इसके एग्जाम्पल लिखते हैं तो सी एच थ्री ओ एच सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू ओ एच दूसरा एग्जाम्पल है सी एच थ्री सी एच टू ओ एच चौथा एग्जाम्पल है सी एच थ्री सी एच टू होमोलोग पढ़ाई है मैंने देखो उसका एग्जाम्पल आ गया ये याद करो होमोलोग सीरीज क्या थी होमोलोगस सीरीज में आपको बताया था दो कॉन्जिक्यूटिव कंपाउंड जिसमें एक सी एच टू का अंतर होता है इसमें मैंने एक सी एच टू एड कर दिया बस बढ़ा दिया ना एक सी एच टू ये वाला सीएच टू बढ़ाया बस ओ एच अगर यहाँ लगा होता तो ये होता सी एच थ्री ओ होता सी एच बढ़ाया इसमें दो कार्बन थे सी एच थ्री सी एक और सी एच बढ़ा दिया तीन हो गए तीन में एक और सी एच बढ़ा दिया तो कॉन्जिकेटिव जब हम किसी भी फंक्शनल ग्रुप में होमोलोगस किसी एक फंक्शनल ग्रुप में नहीं होता किसी में भी हो सकता है अल्कोहल में एल्डिहाइड में कीटोन में कार्बोक्सिलिक एसिड में एल्केन में एल्कीन में होमोलोगस मतलब बस एक सी बढ़ा दें हम किसी मॉलिक्यूल में तो वो कॉन्जिकटिव होमोलोगस सीरीज बन जाती है होमोलोगस पे भी आ सकता है ये सब एक दूसरे आपको क्वेश्चन दे दिया मैंने कि दो कार्बन के अल्कोहल का कॉन्जिकटिव होमोलोगस का स्ट्रक्चर लिखो तो आप एक सी एच टू बढ़ा करके लिख लो कॉन्जिकटिव यही तो एक सी एच टू बढ़ा दिया ये स्ट्रक्चर लिखा गया ऐसे ड्रॉ करने पड़ेंगे अब हम आते हैं इनके नाम पर जब हम अल्कोहल की नेमिंग करते हैं तो अल्कोहल की नेमिंग के लिए हम लिखते हैं एल्क प्लस एन प्लस ऑल ऑल एक सेकेंडरी सफिक्स की तरह से ये ऐड किया जा रहा है जब हम इस सेकेंडरी सफिक्स को ऐड करेंगे तो प्राइमरी सफिक्स का ई हम कर देंगे ये वाला ई हम हटा करके इस ऑल को यहां पर चिपकाएंगे जगह करनी होती ना जब कोई चीज स्टिक करते हैं तो सरफेस को थोड़ा रफ करते हैं तो ई हटाएंगे फिर इसे इसके साथ जोड़ेंगे ये क्या है एल्क वर्ड रूट है वही पुरानी बात वर्ड रूट के साथ हमने यहां पर ऐड कर दिया है प्राइमरी सफिक्स इस प्राइमरी सफिक्स के साथ हमने ऐड कर दिया है सेकेंडरी सफिक्स ये सेकेंडरी सफिक्स किसके लिए है फॉर एल्कोहल्स ओनली जैसे अगर कभी आपको कहा जाता है सी एच थ्री सी एच टू ओ एच आप इसे और कैसे लिख सकते हो आप लिख सकते हो इसको सी टू एच फाइव ओ एच ऐसे भी तो लिख सकते हो आप इसको ये करेक्ट है अब मुझे नाम लिखना है आई यूपीएससी नेमिंग में नाम लिखने का तरीका होता है पहले नंबर पर लंबी से लंबी चेन वही चलेगा पुराने रूल वही है बस ऐड हो जाएंगे रूल कुछ इसमें एडिशनल कर देने होंगे ये हो जाएगा नंबर वन ये हो जाएगा नंबर टू गिनती उस साइड से जिधर से फंक्शनल ग्रुप क्लोज है मिनिमम पोजिशन पर लाना है तो ये दो कार्बन को हम क्या बोलते हैं एथ बोलते हैं दो कार्बन के वर्ड रूट को बोलते हैं एथ उसके बाद हमें क्या लिखना होगा एन एन का ई मुझे हटा देना है उसके बाद मुझे क्या लिखना पड़ेगा ऑल लिखना पड़ेगा ऑल क्या मतलब एल्कोहल इसकी पोजीशन क्या है इथेनॉल तो होगा ही वन पर टू पर तो आई नहीं सकता ये अगर इधर लिखा होता हो एच तो मैं गिनती साइड से करता तो यहां तो इंपॉर्टेंस नहीं है तो वन स्किप कर दोगे तो भी चल जाएगा दिस कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज एथ एंड ऑल चलेगा लेकिन जहां पर नंबर बताना जरूरी है वहां बिना नंबर के अगर आपने लिख दिया तो नाम गलत होगा जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर ये कहा जाता है सी एच थ्री सी एच टू सी एच सी एच टू यहाँ पर थ्री लिख देता हूँ यहाँ पर OH लिख देता हूँ एक ये है एक कंपाउंड ये है CH3, CH2, थ्री सी OH. दो कंपाउंड मैं जब आई यू पी एस नेम लिखूंगा तो पहला रूल लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन वन टू थ्री वन टू थ्री इधर से गिनती करना गलत नाम क्या लिखूंगा इसका प्रॉप फिर लिखा जाना चाहिए एन ए एन ई ई हटा दिया ऑल कहा लगा हुआ है टू पोजीशन पर टू ऑल प्रोपेन नहीं प्रोपन प्रोपन टू ऑल इसका नाम हम क्या लिखेंगे प्रोप उसके बाद क्या लिखेंगे अन उसके बाद क्या लिखेंगे पोजीशन वन ऑल अब नंबर लिखने जरूरी होंगे यहां हमें क्या पता चलेगा वरना प्रोपेन में तो दो पॉसिबिलिटीज हैं वन पर भी आ सकता है टू पर भी आ सकता है लंबी से लंबी चेन पहला रूल क्या रूल है वही पुराने हैं नंबर वन रूल क्या था लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन दूसरा रूल क्या था काउंटिंग मस्ट स्टार्ट फ्रॉम अल्कोहल हमें लंबी चेन चाहिए लेकिन वो वाली लंबी चेन जिसमें ओएच जरूर आ रहा हो यही रूल हमने डबल बॉन्ड के लिए फॉलो किया था जिन लोगों ने प्रैक्टिस कर रखी है बहुत जरूरी है प्रैक्टिस आईयूपीएसी में करना वरना रूल बढ़ते चले जाते हैं मिक्स होते चले जाते हैं मिक्स सभी होंगे जब पुराने रूल पक्के नहीं होंगे जो पढ़ता रहेगा बस इकट्ठा एक वीक में जाके एक दिन बैठ कर पढ़ाई करेगा तो। उसके लिए गड़बड़ अच्छी खबर नहीं है उसके लिए सब मिक्स हो जाएंगे एक दिन में बैठ के पढ़ोगे क्या क्या डाइजेस्ट करोगे हफ्ते भर का खाना भी तो एक दिन में नहीं खाते हम हफ्ता भर तो बहुत दूर की बात है चौबीस घंटे का नहीं खाते हैं एक टाइम में तो गड़बड़ हो जाता है सारा तो दिमाग भी तो कभी तो फीड है ना थोड़ा सा सोचो बेचारे छोटे से दिमाग को मासूम सा दिमाग जो है ये उसको इकट्ठे एक दिन बैठ करके चार पांच घंटे का फीड दे दोगे आप पढ़ोगे गड़बड़ तो होनी है ना तो इसलिए पढ़ाई कंटिन्यूस होनी चाहिए थोड़ी, थोड़ी 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 रोज होनी चाहिए पुराने रूल जब पक्के होंगे तब नया रूल पढ़ो अब मैं क्या करता हूँ आप लोग चार क्लास इकट्ठी बैठ के करोगे गड़बड़ है गलत है नहीं आ सकता फर्क आएगा जो बच्चा धीरे धीरे करके पढ़ रहा है और जो बच्चा एक ही दिन में सारा कुछ करना चाहता है उन दोनों में फर्क आएगा तो ये रूल्स मैं आपको बता रहा था वही अल्किन वाले रूल है नया कुछ भी नहीं है इसमें एल्किन में भी हमने डबल बॉन्ड को इंक्लूड करके लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन बनाई थी यहां भी ऐसे ही करेंगे एग्जाम्पल के लिए अगर आपको ये कहा जाए सी एच थ्री सी एच टू सी एच सी एच टू सी एच थ्री एंड सी एच टू देना लंबी से लंबी चेन लेकिन लेकिन के साथ लंबी से लंबी चेन लेकिन वो वाली जिसमें ओ शामिल है वन टू थ्री फोर भले ही चार रह गए लेकिन ओ को लाए हैं साथ ये, भले ही चार प्रायरिटीज होती है ना प्रायरिटी है यहां पर इसकी ओ को लेना प्रायोरिटी है ओएच को छोड़कर लंबी चेन बनाना प्रायरिटी नहीं है ये वाली लंबी चेन ठीक है लंबी चेन वाला रूल है बट विद ओएच ये रह गया साइड में अब वन टू थ्री फोर चेन तो ये बनी इतनी बनी चेन तो ये साइड में रह गया कौन रह गया दो कार्बन का दो कार्बन का कौन है इथाइल है ये है थ्री इथाइल नाम लिखने जा रहा हूं इसका थ्री इथाइल साथ में क्या लिखेंगे सॉरी टू इथाइल ये थ्री नहीं होगा टू पर होगा ना भाई ये थ्री कहां आ गया ये हो गया वन ये हो गया टू ये हो गया थ्री ये हो गया फोर सही काउंटिंग तो ये वाली है ना तो टू इथाइल आएगा टू इथाइल फिर वर्ड रूट क्या है यहां चार कार्बन का वर्ड रूट है सही वाला तो मैं लिखूंगा ब्यूट उसके बाद मैं लिखूंगा ए एन ई e हटाना पड़ेगा ई e हटा दिया उसके बाद मैं लिखूंगा ऑल कहा वन पोजिशन पर वन ऑल सेकेंडरी सफिक्स प्राइमरी सफिक्स वर्ड रूट पर्फिक्स ये नाम लिखने का तरीका है कभी कॉम्प्लेक्स आएगा तो कॉम्प्लेक्स लिख देंगे उसमें क्या फर्क की बात है अगर आएगा तो बिल्कुल लिखेंगे आईयूपीएसी नेमिंग अल्कोहल की इस तरह से लिखी जाएगी अगर किसी का कुछ डाउट है तो जल्दी से मुझे बता दो और दे रहा हूं मैं कंपाउंड जब प्रीफिक्स आएगा जो कार्बन नहीं गिना जा सका वो कार्बन हमें लिखना होगा एग्जाम्पल के लिए जैसे सी एच थ्री है सी एच ओ एच हो गया सी एच टू सी एच थ्री है सी एच सी एच सी एच थ्री है एंड सी एच थ्री है सबसे पहले हम प्रायोरिटी किसको देते हैं फंक्शनल ग्रुप को फॉर काउंटिंग रूल क्या है किसको प्रायोरिटी देंगे फंक्शनल ग्रुप को पहली प्रायोरिटी फिर उसके बाद किसको प्रायोरिटी देते हैं डबल या ट्रिपल बॉन्ड को फिर उसके बाद किसे प्रायोरिटी देते हैं प्रिफिक्स को इस साइड से आता हूं तो मैं प्रिफिक्स आ रहा है साइड से आता हूं तो फंक्शनल ग्रुप आ रहा है तो अब आप मुझे इस कंपाउंड का नेम लिख करके बताओ जल्दी से चैट बॉक्स में लिखो आयूपीएससी नेम जल्दी से थर्टी सेकेंड दे रहा हूं करने के लिए हमें इस कंपाउंड का यूपीएससी नेम जब लिखना होगा तो पहला तो रूल लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन का ही है एल्कोहल को मिनिमम से मिनिमम पोजीशन पर लाते हुए हम लंबी से लंबी चेन बनाएंगे नंबर वन नंबर टू नंबर थ्री नंबर फोर नंबर फाइव नंबर सिक्स छह कार्बन की चेन बनी है भाई तीन पर है प्रीफिक्स पांच पर है प्रीफिक्स दिस स्ट्रक्चर इज इक्वल टू मैंने कहा था स्ट्रक्चर लिख लिख करके देखो जो लिखेगा नहीं उसको आएगा नहीं ये स्ट्रक्चर का क्या मतलब है ये इसका मतलब है सी एच थ्री सी एच टू सी एच सी एच थ्री ओ एच सी एच टू सी एच सी एच थ्री सी एच थ्री ये दोनों आइडेंटिकल स्ट्रक्चर हैं ये और ये सेम हैं दोनों दिमाग में ये स्ट्रक्चर ऐसे रखो तो हमने क्या किया इनफैक्ट यहां से गिनती की वन टू थ्री तीन पर मिथाइल भी लगा हुआ है तीन पर ओएच भी लगा हुआ है तीन पर एंड पांच पर लगा है मिथाइल तो मैं नाम लिखूंगा इसका थ्री कॉमा फाइव डाई मिथाइल ये हुए प्रिफिक्स वर्ड रूट क्या है छे कार्बन का वर्ड रूट है प्राइमरी प्रिफिक्स क्या है प्राइमरी प्रिफिक्स है मेरे पास एन एन का ई हटाऊंगा मैं एंड ऑल लिखना पड़ेगा सेकेंडरी सफिक्स प्राइमरी सफिक्स लिखा सेकेंडरी सफिक्स लिखूंगा मैं ऑल कौन सी पोजिशन पर है थ्री पोजिशन पर है थ्री ऑल ये होगा इस कंपाउंड का आई नेम समझ आ गई बात मेरी नोटिस में है मेरे जो जो लोग आंसर नहीं भेज रहे हैं चैट बॉक्स में वो सब नोटिस में हैं कौन कौन नहीं भेज रहे हैं हमने अल्कोहल की नेमिंग की ऐसे अल्कोहल्स की नेमिंग की जिसमें एक ओएच OH ग्रुप प्रेजेंट होता है बहुत सारे केसेस ऐसे भी हैं जिसमें दो ओएच OH ग्रुप प्रेजेंट होंगे जिनको हम बोलते हैं यानी अगर कार्बन पर अलग अलग कार्बन पर या एक कार्बन पर ओएच OH ग्रुप इधर ओ OH ग्रुप लगा हुआ है तो इनको बोलेंगे हम डाई डाई का क्या मतलब होता है टू होता है ऑल ऑल का मतलब क्या होता है अल्कोहल होता है सफिक्स है ये तो अल्कोहल को इंडिकेट करता है दो बार ओएच OH ग्रुप अगर आ जाते हैं तो नंबर हमें बताने पड़ेंगे इनकी पोजीशन बतानी पड़ेगी इसी को अगर मैं प्रॉपर्ली लिख करके करता हूं CH3 CH CH2 CH2 यहां पर ओएच OH ग्रुप लगा दिया इधर ओएच OH ग्रुप लगा दिया तो जब मैं कंपाउंड का नाम लिखूंगा तो यहां लिखूंगा वन टू थ्री फोर इस साइड से काउंटिंग क्यों की क्योंकि ये मिनिमम पोजीशन पर आया इस साइड से मैं करता काउंटिंग तो वन एंड टू पर आता एक ये रूल सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमें ओ OH को मिनिमम पोजीशन पर या किसी भी फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम पोजीशन पर लाना है मैं इसका नाम लिखूंगा वर्ड रूट लिखूंगा ब्यूट वन टू थ्री फोर वर्ड रूट हो गया ब्यूट प्रिफिक्स तो कुछ है नहीं उसके बाद लिखेंगे हम इसमें एन ए एन ई का ई e हम हटा देंगे फिर लिखेंगे ऑल लेकिन ऑल तो भाई दो हैं ये दो हैं एक यहां लगा हुआ है एक यहाँ एक कहां लगा हुआ है वन पर एक कहां लगा हुआ है थ्री पर वन कॉमा थ्री डाई ऑल ये लिखना चाहिए एक एडिशनल रूल और है बस जो मैं बता रहा हूं इसी नाम में वो क्या है जब भी हमें डाई लिखना होता है किसमें डाई लिखना अगर डाई हम लिख रहे हैं सेकेंडरी सफिक्स में तो इस प्राइमरी सफिक्स का ई वापस आ जाता है जो यहां से हटा दिया गया था इस ई को मुझे वापस भेजना होगा यह है एक एडिशनल रूल अलग इससे कलर से लिखता हूं ताकि आपको याद रहे ई वापस आ गया किससे कनेक्टेड है ये कनेक्टेड है इस डाई से डाए इन, डाए हमने लिखा था ट्राई आइन लिखा था तब वर्ड रूट में ए बढ़ाया था अब हम वर्ड रूट में कुछ नहीं चेंज कर रहे हैं हम इन डाई कर रहे थे तो प्राइमरी सफिक्स दो बार लिख रहे थे अब सेकेंडरी सफिक्स के लिए क्या रूल होता है अगर ये दो बार आ जाता है तो प्राइमरी सफिक्स का खोया हुआ ई जो इसका खो गया था ब्यूटेन की जगह हम ब्यूटन ऑल लिख रहे थे तो ये वापस आ जाएगा ये डाई के लिए बस एक रूल ये आपको याद रख मैं कुछ कंपाउंड के नाम दे रहा हूं उन कंपाउंड के नाम आई यू पी एस सी नेम मुझे लिख करके बताओ आई यू पी एस सी नेमिंग क्या है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री आई यू पी ए सी यूनियन बनी हुई है ये और ये क्या डिसाइड करते हैं रूल बनाते हैं ये रूल बना करके नॉम क्लेचर का क्या मतलब है हमें सिस्टमैटिक नॉम क्लेचर देना है अपनी मर्जी से नहीं कि आप कॉमन नेम बोल दोगे एक तो नाम वो होता है जो बिल्कुल मार्कशीट में लिखा होता है एक नाम घर का नाम होता है कोई कोई अपने अपने नाम ले देते हैं किसी कंपाउंड के भी ऐसे ही होते हैं किसी को हमने कंपाउंड को बोल दिया फॉर्मेल्डिहाइड बोल दिया फॉर्मिक एसिड बोल दिया लेकिन जब उसका मार्कशीट वाला नाम देखा जाएगा मींस जो रूल के अकॉर्डिंग नाम आता है सिस्टमैटिक नेमिंग से वो है नॉमन कॉमन नेमिंग जब कही जाएगी तो कॉमन नेमिंग मतलब कोई भी जैसे घर का नाम होता है किसी का चुन्नू मुन्नू रख देते हैं जैसे वो वाले नाम को हम बोलेंगे कि ये नाम जो है ये कॉमन नेम है कॉमन नेम के कई बार रूल कुछ होते भी हैं कई बार नहीं भी होते हैं लेकिन सिस्टमेटिक नेम रूल्स के अकॉर्डिंग लिखा जाएगा तो आई सिस्टम मतलब से नाम लिखा जा रहा है जो एक यूनियन बनी हुई है उसने जो नाम लिखने का तरीका बताया है हमें वो फॉलो करना है तो अगर मैं आपसे कहता हूं कि इस कंपाउंड का नाम ये दो तीन कंपाउंड में बता रहा हूं इनके का नाम मुझे आप बताओ क्या होंगे सी एच सी एच सी एच थ्री यहाँ सी एच थ्री लिखेंगे यहाँ पर ओ एच लिखेंगे यहां पर ओ OH एच लिखेंगे, OH लिखेंगे एक इस कंपाउंड का नाम आपको बताना है मुझे दूसरा इस कंपाउंड का नाम बताना है सी एच टू बी आर सी एच बी आर सी एच सी एच एच टू सी एच थ्री यहां पर आ जाएगा ओ OH. एच एंड कार्बन पर आ जाता है एक ओ OH. एच इसको कर दिया मैंने वैलेंसी को पूरा इन दो कंपाउंड के आई यूपीएससी नेम हमें लिखने हैं जल्दी से बड़ी तेजी से लिख करके बताओ वन बाई वन करके इन दोनों कंपाउंड के नाम मैं आपको तो एक्सप्लेन कर रहा हूं पहले वाले कंपाउंड का नाम हम लिखते हैं आईयूपीएसी नेम काउंटिंग हम इस साइड से करेंगे ये सी एच टू ये गलत लिख दिया मैंने सी एच थ्री होना चाहिए भाई ये क्योंकि वैलेंस ही पूरी नहीं हो रही है मिनिमम पोजिशन पर लाएंगे इस साइड से मैं गिनती करूंगा तो तीन पर आएगा ओ एच वन टू थ्री फोर एंड फाइव मिनिमम पोजीशन पर लाने के लिए मुझे इस साइड से काउंटिंग करनी पड़ी टू पोजीशन पर ओएच है थ्री पर ओएच OH. है तो मैं इसका नाम लिखूंगा फोर मिथाइल पांच कार्बन की चेन है वर्ड रूट आ जाएगा पांच कार्बन का पेंट ए एन ई समेत लिखना होगा ई में क्यों लिखूंगा पूरा ये? क्योंकि बाद में डाई ऑल आने वाला है ये लिखा जाएगा टू कॉमा थ्री डाई ऑल ये है कंपाउंड का नाम गिनती इस साइड से नहीं करनी टू पर मिथाइल जो लेकर के आया है उसने गलत लिखा है नाम सही नाम फोर पर मिथाइल होगा फोर पर ओएच OH को मिनिमम पोजीशन पर लेकर के आना है ये रूल होता है आई यूपीएससी अब यहां गिनती हमें ओएच OH को मिनिमम पोजीशन पर लाने के लिए करनी है काउंटिंग करेंगे हम इधर से वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स फाइव पर प्रीफिक्स है सिक्स पर प्रीफिक्स है फाइव कॉमा सिक्स डाइब्रोमो ये प्रीफिक्स हो गए वर्ड रूट कितने का बना है छह कार्बन का बना है हेक्स उसके बाद में क्या लिखूंगा एन ई समेत लिखूंगा मैं क्योंकि दो ओएच आने वाले हैं अगर ये सिंगल होता तो ई नहीं लिखता मैं क्या लिख दू यहां पर हेक्सेन टू कॉमा थ्री डाई फाइव सिक्स डाय ब्रोमो हेगन नहीं ये क्यों लिखा क्योंकि बाद में ये डाय आ गया डायऑल ये होगा इस कंपाउंड का नाम ये होगा इनकी नेमिंग का तरीका तो एल्कोहल कर पाए आज हम अभी अगली क्लास में हम करेंगे अ, कीटोन एंड एसिड की नेमिंग और ये वाले रूल्स भी आप तब तक बहुत और पक्के कर लेना इस, इसके क्वेश्चन भी मैं अभी कराऊंगा बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत होती है आई यू नेमिंग को करने के लिए तो आज की क्लास में तो मैं इतना ही कराऊंगा बाकी हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे